कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसे और आप देख रहे हैं ड्रैगन टेक। जी हाँ, 2017 का साल खत्म हो गया है, नियरली 10 दिन बाकी हैं, 2018 आने वाला है और बहुत सारे नए नए बड़े बड़े अच्छे अच्छे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लाने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे स्मार्टफोन्स बताऊंगा जो सभी लोग बहुत ईगरली अवेट कर रहे हैं। जी हाँ, ये फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स हैं और सबका ध्यान उसी के पास है। बहुत सारे लोग रुके हुए भी हैं क्योंकि अब 2017 के स्मार्टफोन्स खत्म हो गए, अब 2018 के पास हमें देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं वो 10 स्मार्टफोन्स आपको बताऊंगा, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। सबसे पहले मतलब एज सून एज जनवरी में लॉन्च होने वाला है LG G7। जी हाँ, LG G6 का सक्सेसर, और हो सकता है कि शायद ये सबसे पहला स्मार्टफोन हो Qualcomm Snapdragon 845 प्रोसेसर पे। जी हाँ, कंफर्म नहीं है लेकिन LG G7 आएगा 845 पे। दूसरी बात, आपको तो मालूम है LG के जो फोन्स होते हैं, बढ़िया डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, लुक्स, कैमराज, सभी कुछ अच्छा होता है, तो LG G7 ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने लायक है और बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। नोकिया 9, जी हाँ, ये दूसरा स्मार्टफोन है, अगेन अगले एक महीने मतलब या तो जैन या फिर फेब, अर्ली फेब में लॉन्च होने वाला है। हमने डिटेल वीडियो किया है नोकिया 9 के बारे में, सब रूमर स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी फोन बहुत ही जल्दी आने वाला है, नोकिया का फ्लैगशिप नोकिया 9। जी हाँ दोस्तों, जैन फेब में तीसरा जो फ्लैगशिप फोन है वो बहुत सारे लोग रुके हुए हैं और वो है गैलेक्सी S9, सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस। तो S9 प्लस में डुअल कैमराज होने वाले हैं, S9 में भी लोग सोच रहे थे डुअल कैमराज होंगे लेकिन नहीं है। हमने इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, सब लीक्स, रूमर्स, सब रेंडर्स, 3D रेंडर्स भी हैं, तो प्रॉपर आपको पता चल जाता है S9 और S9 प्लस कैसा है। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त अपकमिंग स्मार्टफोन है 2018 का। चौथा फोन दोस्तों, जो मैं पर्सनली सबसे ज्यादा वेट कर रहा हूं और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी वेट कर रहे हैं, और वो है OnePlus 6। जी हाँ, OnePlus 6 भी 845 Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर पे होने वाला है। 8GB रैम तो लिख के ही रखिए, शायद उसके ऊपर 12 या 16GB भी रैम हो सकती है, पता नहीं, लेकिन बहुत सारी अभी तक OnePlus 6 का कोई रूमर, कोई भी स्पेसिफिकेशन आए नहीं है, लेकिन एक बात कह दूं, जैसे OnePlus के पहले फोन्स थे वैसे ही OnePlus 6 भी होने वाला है, विथ सम ग्रेट स्पेसिफिकेशन, टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन। तो उसके लिए हम रुके हुए हैं और वो कब आने वाला है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2018 मतलब मार्च तक आएगा, डेफिनेट नहीं है लेकिन आने की अपेक्षा है। दोस्तों, पांचवा फोन है Mi 7। ये मुझे पता नहीं इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं, Mi 6 तो लॉन्च हुआ नहीं, 2017 खत्म भी हो गया, लेकिन Mi 7 लॉन्च होगा अराउंड मार्च अप्रैल, अगले 2-3 महीने में ही लॉन्च होने वाला है। ये Qualcomm ने कंफर्म किया कि ये फोन होगा जिसके ऊपर 845 प्रोसेसर आएगा, इसका मतलब काम चालू हो गया है Mi 7 पे, तो बहुत ही जल्दी आने की आशंका है। और जैसे Mi के फ्लैगशिप फोन से Mi 6 लीजिए, Mi 5 लीजिए, जबरदस्त स्पेसिफिकेशंस होंगे। मैं तो आपको सीधा कह दूं, 845 प्रोसेसर, 8GB रैम, स्क्रीन भी इसकी 2K होगी, फुल HD का भी 2017 में जमाना चला गया, तो 2K स्क्रीन होगी, 5 या 5.5 इंच का ये फोन होगा। दूसरी बात Mi 7 के बारे में, ये वैल्यू फॉर मनी भी होने वाला है, जैसे OnePlus 6 है वैसे ही Mi 7 भी वैल्यू फॉर मनी फोन होगा। तो दोस्तों, इंडियंस को तो ये दो फोन बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। बेजललेस ब्यूटी का किताब किसको जाता है दोस्तों? Yes, Mi Mix 2, पहले Mi Mix था, फिर Mi Mix 2 आया और 2018 में आएगा Mi Mix 3, अभी क्या होने वाला है। Mi Mix 2 में नीचे के जो बेजल से पतले थे, शायद this will be the first completely bezel-less phone, मतलब ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बाजू को नहीं, ये बाजू नहीं, वो बाजू नहीं, किसी भी बाजू को आपको सिर्फ स्क्रीन मिलेगी, और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा वो नियरली 100% होगा, ऐसी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ या फिर ऐसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ, एक्चुअली मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक जो फोन है बहुत सारे लोग अपनी नजरें तान के बैठे हुए हैं कि भाई कब आएगा, लेकिन ये आने वाला है मिड 2018 में अराउंड जून के करीब, तो टाइम है उसको, लेकिन Mi Mix 3 यार जबरदस्त फोन होने वाला है। दोस्तों, ये जो सातवां फोन है, ये इसके चर्चे बहुत सालों से चल रहे हैं
और ये एक टोटली डिफरेंट फोन होने वाला है। ये रूमर्स ही है, पता नहीं एक्चुअली आएगा क्या नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सैमसंग लॉन्च करेगा नोट एक्स, जो एक बेंडेबल फोन होगा। जी हाँ, बेंडेबल फोन, आप ऐसा उसको ऐसा फोल्ड कर सकेंगे, रख सकेंगे, ओपन कर सकेंगे, यार बहुत मजा आएगा। ये बहुत मैं एक्साइटेड हूँ नोट एक्स के लिए। क्या आप एक्साइटेड हैं? क्योंकि अभी तक स्पेसिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं, ये भी नहीं मालूम है प्रॉपरली कि वो आने वाला है नहीं, लेकिन सैमसंग ने कहा है कि 2018 में बेंडेबल स्मार्टफोन आएगा, तो ये नोट एक्स जरूर देखेंगे। दोस्तों आठवां जो फोन है वो वावी का है। जी हाँ, पीसी सीरीज के फोन है P11, और ये जो है शायद आएगा ट्रिपल कैमराज एट द बैक के साथ। पहला फोन होगा शायद जो आएगा ट्रिपल कैमराज के साथ, और ज्यादा टाइम नहीं रुकना पड़ेगा, शायद वो MWC 2018 जो फेब के एंड में होने वाला है उसी में शायद अनाउंस हो जाए। वावी का पीसी सीरीज P11 शायद होगा, पता नहीं, बट ये भी फोन मैं बहुत ही एक्साइटेडली वेटिंग हूँ कि भाई कब आने वाला है। ट्रिपल लेंस वो क्या करेगा, एक डिस्टेंस मेजर करेगा, एक बोके करेगा, एक आपका पोर्ट्रेट लेगा, पता नहीं। तो दोस्तों ये जो फोन होगा पहला ही स्मार्टफोन होगा जिसमें 5 कैमरेज होंगे, 2 आगे की तरफ 3 पीछे की तरफ। अभी तक 2 आगे और 2 पीछे, मतलब 4 टोटल कैमरेज वाला आ गया है, वावी का ही है, ऑनर 9 आया अगर आपको पता नहीं। तो ये जो फोन होगा P11 शायद होगा 5 कैमरेज के साथ। दोस्तों ये जो 9वें नंबर पे है ये हर साल धमाका करता है, और वो है एप्पल आईफोन। जी हाँ, 2017 में भी धमाका किया, 8 प्लस आया, प्लस उसके साथ आईफोन एक्स आया यानी आईफोन 10। अगले साल लॉन्च होने वाला है आईफोन 9। अब क्या क्या नए फीचर्स के साथ आता है, क्योंकि जो आईफोन है हर साल नए नए फीचर्स लाता है। ये साल क्या नए, मतलब 2018 में कौन से नए फीचर्स आने, ये जरूर देखेंगे। पता नहीं कितने लोग इंडिया में एक्साइटेड है, लेकिन वर्ल्ड वाइड बहुत लोग आईफोन्स खरीदते हैं और आईफोन्स के लॉन्च के पास देखते हैं। तो ये है हमारे 9वें नंबर पे। दोस्तों बाकी के 10वां नंबर ऐसे नहीं है, लेकिन बाकी के फोन्स भी हैं जो लोग रुके हुए हैं, जैसे सोनी का एक्सपीरिया XZ2 आने वाला है, HTC का U12 आएगा, तो ऐसे बहुत सारे दूसरे भी फ्लैगशिप्स आने वाले हैं 2018 में। चलिए दोस्तों देखते हैं भाई ये सब जो स्मार्टफोन्स हैं क्या क्या गुल खिलाते हैं 2018 में। दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है जिसमें मैंने कहा है कि 2018 के स्मार्टफोन्स की फीचर कौन से होने चाहिए, ये देखिए आप वीडियो देख सकते हैं इधर कार्ड्स में। तो ये फीचर जो मैं चाहता हूँ ये नए फ्लैगशिप्स है उसमें होने चाहिए, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। क्या आप भी अपेक्षा करते हैं, जरूर बताइए हमें।